यसोहर जिले में एक छोटा सा गांव बुडन था। इसी गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इसी गांव में हरिदास खान का जन्म हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। गृह त्याग करके वनग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। वह बड़े ही शांतिप्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 300,000 हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा कि महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने ऊंचे स्वर में जाप करते हैं, या कोई अन्य कारण है? हरिदास जी ने बताया कि भक्त, यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसके सुनने मात्र से ही प्राणी को इस नर्क से मुक्ति मिल जाती है, और इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इस जाप को सुन सके और वे सब भगवान को प्यारे हो और मोक्ष की प्राप्ति करे। हरिदास जी की इस बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो चुका था। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार भी था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी ही। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। हरिदास जी तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या खुद उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरा हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आने लगा। वेश्या ने निर्लज होकर अपने सारे वस्त्र उतार दिए और रात भर हरिदास जी के साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वह सफल नहीं हो सकी। प्रातःकाल होने तक उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हो गई। तभी हरिदास जी बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूं। समाधि के ध्यान में मग्न होने के कारण मैं आपसे बात न कर सका। आप किस प्रयोजन से यहां आई थी यह मुझे बताइए। पर वेश्या कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा कर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु को किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा सकी। जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था। 3 रातें ऐसे ही बीत गई। वेश्या आती, निर्वस्त्र हो जाती, हरिदास जी से छेड़छाड़ करती, पर हरिदास जी उसको भाव नहीं देते। हरिदास जी तो हरि नाम में ही खोए रहते थे। 4th रात्रि वह वेश्या फिर आ गई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी और सोचने लगी कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वेश्या सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, जरूर इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसको फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। वेश्या हरिदास जी के चरणों में जा गिरी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए आंसुओं की धारा बहाते हुए याचना करने लगी। हे पुण्य आत्मा, हे महात्मा, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई इसे योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरिनाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेश्या ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। हरिदास जी ने उस जंगल की कुटिया को उस वेश्या को सौंप दिया और खुद हरिनाम के प्रचार की ओर चल पड़ी। वेश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। यह साधु संग
और हरिनाम श्रवण का ही प्रताप था कि वह वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर नामक गांव पहुंचे। शांतिपुर में एक मुस्लिम शासक का राज था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्मांतरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हुए हरिनाम की माला जपते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई कि बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी कराने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गा रहा है, इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा न दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब भक्त बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह को सभी ने धिक्कारना शुरू कर दिया। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गई। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी बोला, हरिदास तुम बड़े भाग्य से मुसलमान के घर जन्मे, फिर काफिरों के देवता का नाम क्यों लेते हो? उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी तक नहीं पीते। यह महापाप तुम कैसे कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ोगे तभी तुम पाक हो सकोगे। हरिदास जी का जवाब था, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट के रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं, तो आपके अनुसार मैं अपराधी कैसे हुआ? काजी ने कहा कि यह तो महा अपराध है, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं। काजी ने कहा, यह काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने कोड़े लगाए जाए कि इसके साथ से इसका साथ छोड़ दे। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में कोड़े लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। कोड़ों की मार से उनके मुख से उफ तक नहीं निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर कर लिए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण में पड़ गए और क्षमा मांगने लगे। साधु तो समाशील होते हैं, उन्होंने तुरंत उनको माफ कर दिया। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे जगन्नाथपुरी आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यवन ने हरि नाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी। वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत थे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। तो हरिनाम से बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं। इस वीडियो के कमेंट में हरिबोल शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका आभार। जुड़े रहिए।